कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल, 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस ऑफिस को क्लियर करार दे दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में शरीक अहलकारों के अल्लाहु अकबर के नारे। ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स और पुलिस अहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 17 जख्मी हुए। जख्मियों में DSP भी शामिल। वजीर आला सिंह ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। दहशतगर्द शाम के औकात में पुलिस की वर्दियों में अकबी रास्ते से पुलिस ऑफिस में दाखिल हुए। एडिशनल IG के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर मुनज़्ज़म हमला किया गया। हमले के दौरान वक्फे वक्फे से फायरिंग और धमाके सुने जाते रहे। पाक फौज के कमांडोज, रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म का कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखला और सूबाई हुकाम से रिपोर्ट तलब। दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन की हिदायत। गवर्नर सिंह कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। IG से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द किस गाड़ी में आए, सामान खोज लगा लिया। कार नंबर ALF043 मोहम्मद कामरान नामी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी चोरी हुई या नहीं, तफसीलात हासिल की जा रही है। गाड़ी के मालिक की तलाश भी जारी है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ खुद से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक शुरू करना लाहौर से। ये जो जेल से डरा रहे हैं, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। हम आपका शौक पूरा कर देंगे। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले हमें जेल से डरा रहे हैं मगर हम जेलें भर देंगे। इनके पास जगह नहीं बचेगी। तहरीक का आगाज लाहौर से होगा, दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इमरान खान ने कहा हमने रजाकाराना तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी मगर मुखालफीन को ऊपर बिठाकर हमें हिरासत किया जा रहा है। 90 रोज़ के बाद एक दिन भी निगरान हुकूमत गैर आइनी होगी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं हो सकती कि अदलिया आइन पर अमल ना करवा सके। पूरी बिल्कुल कोशिश कर लग बिल्कुल ठीक है जी। बड़ा दबांगे। हाँ नहीं है जानना। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। वजीर दाखिला की इजाजत के बाद FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑडियो असली होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वज़रा का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा मुबैना ऑडियो टेप्स दुरुस्त है तो किरदारों को सजा दी जाए। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार का जायजा लेना होगा। आसम नजीर तारड़ ने मामला ऐवान में उठा दिया। बोले बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इमरान खान के दोस्त और हलीफ आला शख्सियत को फोन करके जमानत मैनेज करने की दरख्वास्त करते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब मुबैना तौर पे अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामूली टेप्स नहीं है। अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। इनके महबूब दोस्त, इनके प्यारे हलीफ टेलीफोनों पे हदायत देते हैं वकीलों को और फिर आला शख्सियात को रिक्वेस्ट करते हैं। अबूरी जमानतों के लिए मैनेजमेंट हो रही है जी, के अबूरी जमानत मिल जाए। गैंग ऑफ फाइव ने पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। ये गैंग ऑफ फाइव परवेज इलाही साहब ऑडियो लीक सुन के आई है। ये तो बहुत संगीन है। इससे ज्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती है। इसका हर तरीके से भरपूर नोट्स लिया जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस नहीं भेजना तो फिर क्या करना है। नवाज शरीफ का चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा परवेज इलाही की बातें संगीन हैं, इन्हीं किरदारों की वजह से पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा। मियां नवाज शरीफ ने कहा गैंग ऑफ फाइव पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। ऐसे किरदारों को कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब के सरकारी इदारों में मुबैना करप्शन और ठेकों में किकबैक्स, पुरानी फाइलें खुल गई। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात होंगी। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी, जल्द तलबी का इम्कान। शेख रशीद, शेरी मजारी और फरा गोगी के केसेस भी दोबारा खुलेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने हाई प्रोफाइल केसेस की दोबारा छानबीन का फैसला कर लिया। एजाजुल हक की भी FIA में तलबी हो गई। 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है।
आम इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास, सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराजगी का इजहार, कहा अभी तक पहले खत का जवाब तक नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक काम करे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, मौकफ़ अपनाया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, फैसला कालदम करार दिया जाए। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। जस्टिस मुनीफ अख्तर का इजहार बरहमी, कहा जबानी दरख्वास्त पर तबादले की मंजूरी कैसे दे दी, फोन पर मिस्टर एक्स को कह देते कि सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की सदा मुस्तरद। It is a difficult time. It will be over in short time. Ne diyor ki biz Pakistan'ın ülkesi olarak her zaman sizin yanındayız. Kadın içinde bu. And the color of your. Your building, sir. वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज़ शरीफ की तुर्की में जलजला मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई, तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा आलमी बिरादरी मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। शाम और तुर्की में अमवात की तादाद 44,000 से बढ़ गई, 250 घंटे बाद भी कई अफराद को मलबे से निकाला गया। वस्ती तुर्की में 5 शिद्दत का जलजला, झटके दमिश्क, हलब और लबनान तक महसूस किए गए। अक़वामे मुत्तहिदा की आलमी बिरादरी से 1 बिलियन डॉलर इमदाद की अपील। बुनियादी मुआशी अहदाफ पर इत्तफाक, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा चंद रोज में मुतवक्के, 1 माह में 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी होगी, पाकिस्तान को 30 जून तक जरे मुबादला जखायर 2 माह की दरामदाद के बराबर लाना होंगे, दोस्त ममालिक आलमी इदारे और कमर्शियल कर्जों के जरिए 10 अरब डॉलर से जायद का इंतजाम करना होगा। कहीं दहशत गर्दी, कहीं जराइम, कहीं डकैतियां, बहुत बार ऐलानात, दावे हुए, इख्तदार के मज़े लूटे गए मगर सेफ सिटी मंसूबे कागज़ों में दबे रह गए। बुलेटिन में खसूसी रिपोर्ट देखना ना भूलिएगा। तेईस जनवरी को पूरा मुल्क अंधेरे में क्यों डूबा, तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई, शिफ्ट ऑपरेटर का इमरजेंसी की सूरत हाल में गाजी बरोथा की जनरेशन को हद से ज्यादा कम करना ब्लैकआउट की असल वजह बना, कमेटी ने NTDC के अफसरान, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज को जिम्मेदार करार दे दिया, सख्त कार्रवाई की सिफारिश, माहरीन की किल्लत और पुरानी टेक्नोलॉजी का भी ब्रेक डाउन में अहम किरदार था। दीवारें फलांगता, घूमता फिरता, हमला करता और शहरियों को ज़ख्मी करता तेंदुआ, ये तेंदुआ जंगल से नहीं आया, किसी ताकतवर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के घर से बाहर निकला, मुकदमा दर्ज हो गया मगर असल मालिक कौन, पुलिस को अब तक पता ना चला, क्या नामालूम अफराद के खिलाफ FIR, किसी को बचाने की कोशिश है, सवालात खड़े हो गए। कराची में दूध महंगा, डबल सेंचुरी कर ली, इंतजामिया पेपर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई के बजाय मशवरे देने लगे, कहते हैं दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है, शहरी इससे ज्यादा कीमत में ना खरीदे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक मोहम्मद कयूम की नमाज जनाजा जामे अशरफिया लाहौर में अदा, मियामी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मुल्तान सुल्तान्स का पावरफुल शो, PSL 8 में लगातार दूसरी फतह, पिशावर जलमी को 56 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया, पिशावर जलमी 210 रन के जवाब में 154 रन ही बना पाई, उसाम अमीर और एहसानुल्ला ने 3-3 विकटें हासिल की, इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 42 गेंदों पर 66 और रॉयली रोसो ने 36 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 75 रन की इनिंग्स खेली। करना क्या चाह रहे हो, ये कोई तरीका है यार, जूनियर लड़के आपके सामने खेल रहे हैं, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, अग्रेशन अच्छी चीज है लेकिन कंट्रोल में रखो अपने आप को, अगर आपने पाकिस्तान खेलना है
तो पाकिस्तान आपने बाबर आजम के साथ ही खेलना होगा, क्या आप उसके साथ कल आंखें मिला पाओगे, क्या उसकी अंडर कैप्टनसी में आप खेल पाओगे? तो अपने आप को कंट्रोल रखो और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो। आमिर से बात हुई, उन्हें कहा गुस्सा अच्छी चीज है लेकिन खुद को काबू में रखना चाहिए। आमिर ने अपने रवैये पर माजरत की। शाहिद अफरीदी की जोर का जोड़ में गुफ्तगू, मिसबा उल हक की मुल्तान सुल्तान की फतेह की पेशगोई दुरुस्त साबित, आजम खान की बैटिंग की तारीफ, नौजवान बैटर समा के मेहमान बने, कहा फिटनेस बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूँ।